और ये वही शाही सवारी है। जब शाही सवारी निकलने की परंपरा, जी हाँ लगातार हम आपको बता रहे हैं, 500 साल पहले भी यही परंपरा थी और 500 साल बाद भी यही परंपरा नजर आ रही है। यानी कि वक्त बदला लेकिन नजारे नहीं बदले। बेहद रोचक और मनमोहक दृश्य टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि ये सवारी जो है सिर्फ आपको साल में एक ही बार देखने को मिलेगी। और अगर इतिहास को खंगालें तो और ज्यादा गर्व होता है कि ये 500 सालों से चली आ रही है और आज भी बदस्तूर जारी है। नवरात्रि महोत्सव आरंभ हो चुका है और उदयपुर के सिटी पैलेस में अहम महापर्व होता है, जिसमें शोभा यात्रा निकलती है, माता जी की सवारी निकलती है। हमारे साथ है जो भक्त, इन्हीं से जानेंगे कि आप किस तरह से माता की सवारी का इंतजार करते हैं। जी बताएं, आज नवरात्रि संपन्न हो चुकी है और सभी शक्तिपीठों पर आज नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। जो सवारी निकल रही है दरबार की, इसमें हम भी शामिल है और माता जी को शत प्रणाम करते हैं। आज का दिन बहुत शुभ होता है। सबसे पहले सुबह उठे दर्शन करने आते हैं माता जी का, जिसे आशीर्वाद मिले उनका, फिर घर तक स्नान भी करते हैं नवरात्रि की, तो ये फिर अच्छा शुभ निकले, अच्छा निकले, हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से। मुझे बहुत खुशी है और हम सुबह सुबह शुरुआत में जल्दी जल्दी जाके भगवान के दर्शन करके आते हैं। हम शुरुआत में मतलब चाहते हैं कि भगवान के दर्शन सबसे पहले हमें हो, और बस 9 दिन की बहुत खुशी है और अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करना चाहते हैं नवरात्रि। इस तरह से जो सिटी पैलेस में बाढ़ माता का मंदिर है, वो बाढ़ माता का मंदिर में जो खड़ग स्थापना होती है, वो एक ब्राह्मण कुल में खड़ग की स्थापना होती है और उसके बाद में उसी भट्ट परिवार से यह शाही लवाजमे के साथ में माता जी की सवारी निकाली जाती है और उस सवारी के साथ में माता जी का राजमहलों में पदार्पण होता है। बड़े शाही लवाज में से हाथी घोड़ा के साथ में यह शाही लवाजमा निकलता है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ राजमहलों तक पहुंचता है। जाहिर तौर पर ये लाइव दृश्य आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के कोने कोने से।